नगर पंचायत के बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, नल जल के संवेदक पर होगी केस दर्ज। जी हां, मधुबनी जिले के जयनगर पंचायत कार्यालय के सभागार में वार्ड पार्षदों के बोर्ड की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने किया और इस बैठक में सार्वजनिक शौचालय एवं मछली बाजार की बंदोबस्ती करने, पुराने नगर पंचायत कार्यालय को तोड़कर मलबा निपटाने को निविदा करने, मानदेय कर्मियों का सेवा विस्तार करने, वार्ड नंबर 14 के जल नल योजना के संवेदक द्वारा मापी पुस्तिका के अनुरूप भुगतान ले लेने के बावजूद जल आपूर्ति नहीं करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने, वार्ड संख्या 3 व 4 में एनजीओ के अनुरूप सफाई कार्य कराने, मोहन कुमार को प्रधान लिपिक बनाने और वर्ष 2020-21 का वार्षिक बजट बनाने, वार्ड नंबर 10 से 14 तक एनजीओ से साफ सफाई कराने एवं वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 14 तक डोर टू डोर कचरा उठाव व निपटान पर विचार किया गया। और इस मौके पर जानकारी देते हुए मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने बताया कि ट्रेड लाइसेंस व होल्डिंग टैक्स के कमीशन वसूली करने व बाजार में सड़क किनारे फुटपाथ दुकानों की बंदोबस्ती करने पर भी चर्चा की गई। वहीं किसान भवन में एसी एवं टाइल्स लगाने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, उप मुख्य पार्षद दुर्गा देवी, वार्ड पार्षदों में गोविंद मंडल, विनोद शर्मा, मोहन राय, इंद्रदेव शाह, मंजलि देवी, रूपा देवी, गणेश पासवान, शिवजी पासवान आदि लोग मौजूद रहे। वहीं वार्ड पार्षद सुनील बरौलिया और पप्पू बरौलिया, राधा देवी, गीता देवी व कृष्णा देवी अनुपस्थित रहे। मधुबनी से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। नगर पंचायत के साधारण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक का उद्देश्य है कि चूंकि नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है तो उसके संबंध में जो रात है उसकी बंदोबस्ती करने के लिए यहाँ से बोर्ड पर प्रस्ताव पारित होंगे। उसके अलावा बजट भी बनाना पड़ेगा अगले वित्त वर्ष के लिए, उसके लिए प्रस्ताव पारित होगा। उसके अलावा जो है नाली गली से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, किसान भवन के लिए चाय लगाना है, एसी लगाना है, सब इस तरह की विकास योजना है जिसके लिए आज यहाँ पे सभी वार्ड पार्षद लोग उपस्थित हैं जो अपना यहाँ पे पारित करेंगे और उनके जैसा निर्णय होगा उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। सर अपना परिचय दे देंगे। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर